जानती हो, आज मुझे खुद पे हंसी आ रही है। ईद नमाज जब पढ़कर घर लौटा था ना, तो मुझे लगा था कि जब नमाज ख़त्म करने के बाद मैं घर लौट के आऊँगा तो मेरे मोबाइल पर तुम्हारे मैसेज आए होंगे। मुझे लगा था कि ईद के इस मुबारक मौके पर अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दोगी, मुझे माफ़ करके ईद के मौके पर तोहफे के तौर पर। खैर कोई बात नहीं, उदास नहीं हूँ मैं, मगर काश आज तुम एक मैसेज कर देती तो अच्छा लगता मुझे, बल्कि बहुत खुशी होती, बहुत ज़्यादा खुशी, मेरी ईद सच में मुबारक हो जाती। मगर खैर अब क्या हो सकता है सिवाय चुपचाप मोबाइल को देख के रोने की। मैं सोचा था कि इस ईद पर तुम मुझे अपना वापस सौंप दोगे, मेरी मोहब्बत, मेरी अमान, मेरी चाहत, मेरी खुशियाँ, मेरी हंसी, मेरा सुकून सब मुझे दान कर दोगी। जैसे ईद नमाज ख़त्म हुई जल्दी से घर आया था, घर में एंटर होते सब से मिल के सीधा कमरे में जाकर मोबाइल उठाया, मगर तुम्हारा मैसेज ना आया।